हमारे साथी इलाज करते करते लोगों का, कितने साथी अपने जान से चले गए। हम लोगों का ये योगदान है, इतना बड़ा योगदान है, फिर भी सरकार हम लोगों को कहीं जगह नहीं दे रही है स्वास्थ्य विभाग। तेजस्वी यादव आप लोग की आशा उम्मीद है उनसे, यशवी बाबू हम लोग 100% उम्मीद है, हम लोगों का जो उम्मीद है तेजस्वी यादव जी से, कि हमको आशा है कि वो हमको जगह कहूँ न कहूँ शिफ्ट देंगे। उन्होंने तो कहा है कि थोड़ा धैर्य रखिए, हम जो है जल्द से जल्द जो है स्वास्थ्य विभाग में। यही आग्रह है, 3-4 साल से भर्जी में रख दिया, यही आग्रह है। उन्होंने तो कहा, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूँ आपके साथ कमलेश। इस वक्त 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास के सामने मौजूद है। आपको बता दें कि महागठबंधन की जब से सरकार बनी है, फरियादी जो है अब यहाँ पहुँचने लगे हैं, जनता दरबार जो है अब यहाँ लगने लगा है। पहले जो है जब महागठबंधन की सरकार नहीं थी तो नीतीश कुमार जो है जनता दरबार लगाया करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से जो है महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से वहाँ जनता दरबार नहीं लगता है। अब तेजस्वी यादव के यहाँ जो है राबरी आवास के सामने जनता दरबार लगता है, फरियादी अपनी फरियाद लेके आते हैं और यहाँ तक कि छात्र भी आते हैं अपनी नौकरियों की मांग के लेकर के। यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग में, जब से स्वास्थ्य विभाग का पद मिला है तब से स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी उम्मीद जगी है, उनके छात्र को भी उम्मीद जगी है कि स्वास्थ्य विभाग में अब जल्द से जल्द बहाली की जाएगी। और तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि हम जल्द से जल्द जो है स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, हम इसमें बहाली निकालेंगे। लेकिन कुछ यहां पे जो है ग्रामीण चिकित्सक आए हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि किन उम्मीदों से तेजस्वी यादव के सामने आए हुए हैं। क्या है तेजस्वी यादव से, क्या फरियाद है आपकी? हमारी यही बुनियाद है कि हम लोग जितने भी प्रशिक्षित हैं बिहार में, लगभग 21,000 हैं ग्रामीण चिकित्सक, और हम लोगों को यही उम्मीद है जो उम्मीद दिलाई गई, ऐसी नहीं कि हम आप क्या उम्मीद दिलाई गई थी, यही हम बोल रहे हैं, पूरी बात सुनिए मेरी, यही उम्मीद दिलाई गई और इसी लेकर के ट्रेंड भी दी जाएगी कि आज तक बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की मूल आबादी निवास करती है वहाँ बेहतर सुविधा बेहतर इलाज नहीं है। जैसा कि हम लोगों को फिलहाल अभी विगत दिनों में कोरोना काल में करके दिखाया है और उस प्रोस्पेक्टस में, ट्रेनिंग के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि आप लोगों को प्रशिक्षण के बाद सरकारी स्वास्थ्य विभाग सेवा में लगाया जाएगा, लेकिन नहीं लगाया गया। बावजूद भी हम लोगों ने योगदान दिया, जबकि बड़े बड़े MBBS सर्जन और सब जो लॉक करके ताला बंद करके भाग गए, चले गए, लेकिन हम लोगों ने कोरोना काल में आप लोग पूरा कड़ी मेहनत की और अच्छा सफल हुए। ये चीज मैंने सरकार से लेकर मीडिया से भी जानते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक अच्छी तरह सफल हुए और सरकार भी आश्वासन देते रही। ऐसी बात नहीं है कि पहले के जो नीतीश कुमार थे और अभी भी वर्तमान में भी हैं, तत्कालीन भी थे और वर्तमान भी में हैं, उन्होंने कहा था कि पहले रोड बनाइए, धीरे धीरे आप लोगों को हम आश्वासन दे रहे थे। आप पता नहीं आंतरिक मैटर क्या थी, उसमें हम जाना नहीं चाहते, लेकिन अभी फिलहाल जो डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री है, ये एक युवा, यानी स्वास्थ्य मंत्री है तभी उम्मीद लेके आएंगे तेजस्वी यादव से मिलेंगे तो हमारी बात, ये एक युवा के लिए और अच्छे बिहार के विकास के लिए, नए बिहार के लिए इनके दिल में तमन्ना है और इनको लंबी राजनीति करनी है, इसलिए ज्यादा हम उम्मीद रखते हैं। ठीक, क्या उम्मीद लेके आए हैं? बहुत सारे लोग का तो ऐसे भी उम्र, हम लोग जिस उम्मीद के साथ आए हैं यहाँ, और लगभग उम्मीद तो है कि ग्रामीण चिकित्सकों को कुछ लाभ होगा। क्यों रोड खाली करो, उधर साइड में जाके बनाओ। हमारे सहयोगी सबसे पहले तो बता चुके हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद लगा के हम लोग आए हैं और उनका पूर्ण संकल्प में, बदलाव में बराबर उनका जिक्र आया है ग्रामीण चिकित्सकों का, है कि नहीं? क्या जिक्र किया गया है ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में भी कुछ कहे हैं कि उनकी बारे में सोचा जाए, क्या 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 सोचा जाएगा, क्या बोले हैं? स्वास्थ्य मित्र की बहाली के लिए स्वास्थ्य विभाग में जोड़ा जाए, स्वास्थ्य विभाग में समझे, अभी इतना हो गया है कि बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक 50 साल से ऊपर हो गए, बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक का उम्र बहुत ज्यादा भी हो गया है, उस समय बच रहा है जो उनको एक्सपीरियंस बहुत है, अच्छी तरह से सब काम करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि मौका दिया जाए। कोरोना काल क्या लग रहा है, क्यों आने, उनका मकसद यही था कि गांव में जो विकास हो रहा है ना, तो उसको कार्यान्वित करने के लिए जो है उप स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीण चिकित्सकों को बहाली की आज भी कोई, और ये ग्रामीण चिकित्सक जो है तन मन और धन से कोरोना काल में अपना सहयोग दिए, और मुख्यमंत्री जी शुरू में बोले थे कि पगडंडी बनाओ, रास्ता बनाओ, फिर रास्ता निकल जाएगा। अब हम लोग पास हो गए, पास होकर के आ गए हैं, 3 साल से भटक रहे हैं, लेकिन कुछ इस पर सुनवाई नहीं हो रहा। आज भी गांव में कोई MBBS डॉक्टर कहीं नहीं मिलेगा, नहीं चाहता है। कहीं नहीं मिलेगा कि कोई MBBS डॉक्टर वहां योगदान दे रहे हैं। आप लोग ये पूरे ग्रामीण व्यवस्था को देखते हैं, हम अपने जान के बाजी लगा करके और हर एक व्यक्ति को
मैंने जान बचाने का अपना जान दे करके बहुतों हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई अपना जान दे करके और दूसरे को जान बचाए हैं, इसलिए हम माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू पर बहुत विश्वास के साथ हमारे पूरे बिहार के जितने भी ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं उनसे हम पूरे उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं और हम लोग को अपना मैन्युफैक्चर में शामिल भी किए थे कि आप लोगों को माने मेरी सरकार आती है, हम लोग उनको सपोर्ट भी किए थे और आज भी तन मन धन से उनसे बहुत आशा के साथ हम लोग हैं कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू, माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी बाबू हम लोगों के लिए माने एक माने जीवन दान का काम करेंगे। विपक्ष में थे तो उस समय हम लोग पूरे आशा नहीं कर रहे थे। 2014 से हम लोग CCS का ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग कर करके पूरा जनता के सेवा करते रहे। कोरोना काल में सारा MBBS डॉक्टर लोग अपना ताला बंद करके घर में घुस गए थे। उस समय हम लोग अपने जान के परवाह किए बगैर लाखों जान बचाए हैं। अगर हम लोग नहीं होते तो आज 80% जनता यहाँ का नदी में लाश दहा दिया गया होता। और उतना काम करने के बावजूद भी हम लोगों को कोई राज रजिस्टर नहीं है। हमको तेजस्वी जी से मांग है कि हम लोगों का राज रजिस्टर हो और रजिस्ट्रेशन कर करके हम लोगों को प्रैक्टिस करने का अधिकार दें, क्योंकि हम ही लोग हैं कि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरा हुआ है। और CCS का कोर्स हम लोग किए हुए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कोर्स किए हुए हैं। अब बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसा है कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसमें कोई मतलब स्वास्थ्य कर्मी नहीं है। यानी आप लोग के सहयोग से ही ग्रामीण जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अगर स्वास्थ्य केंद्र जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उस पर अगर हम लोगों को बहाल कर लिया जाता है तो बिहार का हम लोगों को दावा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगा। इस तरह से सुधरेगा कि कोई भी जल्दी तक बीमार जल्दी नहीं होगा। हम ही लोगों को माध्यम से होता है, किसी को कोई होता है अगर आधा रात को किसी को कुछ हो रहा है तो सबसे पहले ग्रामीण चिकित्सक ही उसका जान बचाता है। पैसा रहे या न रहे हमारे यहाँ का प्रवासी मजदूर जो है बाहर में काम करते हैं उसका पूरा परिवार का देख रेख हम लोग करते रहते हैं बगैर पैसा का। वो जब 2-4 साल बाद 1 साल बाद आता है तब हम लोग आकर के पैसा पेमेंट करता है। और वही MBBS डॉक्टर लोग है जो कि जितना जांच में पैसा खर्चा करा देते हैं उसमें उसका पूरा परिवार का हम लोग इलाज वही कोरोना काल में यही मांग है मेरा। कोरोना काल के समय में तो घर में नुका गया, हम लोग अपने जान की बाजी लगा करके और ग्राम में रह करके सारी जनता का जो भी हम लोगों के सामने आया उनका हम लोग साथ दे करके उनका जान बचाए। अब लोग हम लोग अपना जान महामारी में हमारे साथी इलाज करते करते लोगों का कितने साथी अपने जान से चले गए। हम लोगों का ये योगदान है, इतना बड़ा योगदान है, फिर भी सरकार हम लोगों को कहीं जगह नहीं दे रही है स्वास्थ्य विभाग। कोरोना काल में हम लोग मदद नहीं करते तो मालूम होता कि कितने के लाश चली जाती, फिर भी जान के बाजी लगा के हम लोग कोरोना काल में मरीज को इलाज किए। तो लग रहे थे तेजस्वी यादव आप लोग की बात आशा उम्मीद है उनसे यशवी बाबू हम लोग 100% उम्मीद है ही हम लोगों का जो उम्मीद है तेजस्वी यादव जी से कि हमको आशा है कि वो हमको जगह कहूँ न कहूँ सिर्फ देंगे। उन्होंने तो कहा है कि थोड़ा धैर्य रखिए, हम जो है जल्द से जल्द जो है यही आग्रह है। 3-4 साल से भर्जी में सर्टिफिकेट मिला, आश्वासन मिला, फिर भी 2022 समाप्त होने वाला है, अभी तक ले कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अभी जो है महागठबंधन की नई नई सरकार बनी है, आप लोग जो है आए हैं कुछ देर रखे सर जो है हम लोग जो है ना कुछ कर पाए, उनसे हमको मिलवाइए और उनसे हमको यही आग्रह है। सामने प्रेजेंट खड़ा होकर हमसे कह दे कि ठीक है आप लोग को जगह दिया जाएगा तब हम लोग को ध्वज मिलेगा, तो ऐसे नहीं। तो आप लोग यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? जब तक उनका ही भेंट हो रहे हम लोग यहीं रहेंगे। जब तक टाइम 7 बजे 10 बजे 12 बजे जब तक उनसे हम लोग मुलाकात नहीं करेंगे तब तक हम लोग पहुंचे। कल जो है कल जो है किसी लोग से मुलाकात नहीं हुई, आज भी अगर नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? रहेंगे कब तक रहेंगे? भूखे प्यासे रात भर रहेंगे, दिन भर रहेंगे, कोई बात
हम लोगों का सरकार से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हर सेक्टर में लोगों का परफॉर्मा एक तैयार करके सुनाया जा रहा है कि फलाने सेक्टर में इतनी बहाली, फलाने सेक्टर में इतनी बहाली, कम से कम ग्रामीण चिकित्सक के बारे में भी अगर कुछ कह दे उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी, तो हम लोगों को एक धैर्य सा हो जाए कि चले उप मुख्यमंत्री जी कहें तो हम लोग भेज हम लोगों को अभी 1.5 घंटे बारिश में भीग कर सर हम लोग उनसे मुलाकात के लिए यही बात अपनी रखने के लिए खड़े हुए हैं। अब देखिए कब मुलाकात होती है, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक जाएंगे। दूर दराज से आए हुए हैं, दूर दराज से आकर और सुबह से लेकर के अभी तक हम लोग ना कुछ नाश्ता किया है ना पानी पिया है, केवल स्वास्थ्य मंत्री से मिलना है और उनसे यदि हम लोग को मिल जाए। भूखे प्यासे आप लोग कितने बजे आए थे? कितने बजे? 8 बजे हम लोग पहुँचे, 8 बजे से हम लोग पहुँचे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी बाबू से हम लोग भेंट करके आएंगे, इसके बाद हम लोग को कुछ विश्वास हो जाएगी। इसके बाद हम लोग तो आपने सुना इनका कहना है कि हम जो है लगातार कोरोना काल में जो है हम काम किए, जबकि MBBS डॉक्टर जो है कोरोना काल में अपने घर में बंद रहते थे, हम अपनी जान लगाकर रोगी की रक्षा करते थे, उनकी सेवा करते थे, लेकिन हमें जो है कोई भी लाभ नहीं हुआ। हम चाहते हैं तेजस्वी यादव से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी भी जो है बहाली निकाली जाए, ताकि जो स्वास्थ्य का खस्ता हाल हो रखा है बिहार में वो हम जो है बेहतर कर सके। ग्रामीण क्षेत्र में खास करके जो है स्वास्थ्य जो है खस्ता हाल है, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, हमारी कुछ सैलरियां हो ताकि हम जो है अपना सहयोग दे करके जो है वहां पे बेहतर से बेहतर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल कर सके। अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर बने रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।